बाराबंकी से बड़ी खबर। बाराबंकी के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग की है और उन्होंने जनता से अपील भी की है, तो सुनिए क्या कह रहे हैं बाराबंकी एसपी। शुभ बाराबंकी जनपद वासियों को से कहना चाहता हूं कि आगामी 23 तारीख से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हम लोगों ने जनपद के सभी प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं की मीटिंग कर ली है और जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वस्त किया है कि उनके मस्जिदों या उनके निवास के आसपास की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाएंगी, लेकिन उनसे ये आश्वासन ले लिया है कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जाएगा, वो अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे, किसी प्रकार का कोई जुलूस तरावी के लिए एकत्रित नहीं होंगे। ये आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, आपके आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दुनिया के सभी धर्मों के मानने वाले लोगों ने पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान कोई भी त्यौहार नहीं मनाया है और मुस्लिम समुदाय के लोग भी विदेशों में कहीं भी मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनपद के लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए और अपने आसपास के लोगों के सेहत का ध्यान रखते हुए इस बात को पर अमल करेंगे। मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस समय किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर पुलिस और प्रशासन कड़ा रुख अपनाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करेगी। धन्यवाद।